मध्य प्रदेश के उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर खड़े इस बरगद के पेड़ पर हर साल हजारों घड़ियां चढ़ाई जाती हैं। पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है जिसे घड़ी वाले बाबा के मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने पर यहां घड़ी चढ़ाने आते हैं। ये सरगज महाराज जी है जो घड़ी चढ़ाते हैं, पहले मन्नत पूरी होने के बाद घड़ी चढ़ती है। यहाँ पर मन्नत पूरी कर भैया घड़ी लेके आ जाओ और अपनी मन्नत एक दिन में पूरी हो जाए, 8 दिन में पूरी हो जाए, 15 दिन में पूरी हो जाए, तो कहीं को नहीं कि कहीं मन्नत पूरी नहीं हुई, मन्नत टोटल नहीं पूरी हुई थी। और 2016 से काम चल रहा है, यहाँ स्थापना करी थी सरगज महाराज ने, पुराने बैठे थे पहले, तो फिर बाद में स्थापना करी जन्म चली रोज। कुछ साल पहले मंदिर के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश भर से श्रद्धालु यहां घड़ियां चढ़ाने आते हैं। यहां पर जैसे मन्नत पूरी होती है दूर दूर से बहुत दर्शनार्थी आते हैं, मन्नत पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र मुंबई तक दिल्ली तक वहाँ पर आते हैं दर्शन। वीडियो पहले वायरल हुआ था, देखिए आप देखे होंगे, आपने भी देखा होगा कि पहले बहुत वो वीडियो वायरल हुआ थे इसके। तो यहाँ पर जैसे मन्नत मांगते हैं धागा, मन्नत बांधते हैं धागा बांध के मन्नत को मांगते हैं, मन्नत पूरी हो जाने के बाद यहाँ पर फिर से आते हैं और घड़ी चढ़ाई जाती है। जी मैंने घड़ियों के बाबा के सुना था, मोबाइल में भी देखा था और कई लोगों के मुँह से सुना था कि घड़ी वाले बाबा कोई है, तो वो भी हम अभी उज्जैन से आए हैं और हटकेश्वर कॉलोनी से पूछते पूछते आए हैं यहाँ घड़ी वाले बाबा। यहाँ आके देखा तो हजारों लाखों में घड़ियाँ देखिए, तो यहाँ पे बाबा के दर्शन करने हम गया है। कैसा लगा आपको नज़ारा देखकर? बहुत अच्छा लगा। जो श्रद्धालु इस मंदिर में घड़ी चढ़ाने के इरादे से आते हैं उन्हें मंदिर के पास ही दुकानों से घड़ियाँ मिल जाती हैं। मंदिर की व्यवस्था देखने वाले इलाके के लोग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर को नया लुक दे रहे हैं।